ये दोस्तों मेरे पास फ़ोन है मोटोरोला मॉडल XT 1760 की। इसको आज हम लोग देखेंगे कि पैटर्न अनलॉक कैसे करेंगे और हार्ड रिसेट कैसे करेंगे। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे ही मेरे पास मोबाइल है, चलिए मैं आपको इसे फोन को दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसीलिए इसकी क्वालिटी थोड़ा सही नहीं रहती, तो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। बंद करते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग पावर की और इसके वॉल्यूम माइनस का यूज़ करेंगे। दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरह और कुछ देर वेट करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये पॉपअप विंडो खुल के आएगी, जिसमें ये मेनू आएगी, देख सकते हैं कुछ मोड का, इससे पावर की सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद फैक्ट्री मोड में जाने के लिए पावर की प्रेस करके एक बार वॉल्यूम अप को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं। चलिए ये हमारी आएगी विंडो, जो कि चाइनीज लैंग्वेज में होती है, कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता। आजकल 2018 के बाद के जो मॉडल आ रहे हैं उसमें ये विंडो खोल के आती है। पहले तो इंग्लिश में आता था तो आसानी से हो जाते थे, तो ये विंडो में हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाना है। तो इसके लिए आप इसमें 6 नंबर के ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर से गिनने के साथ 6 नंबर में, या फिर MMC इंग्लिश में दिया होता है, उसमें जाके पावर की के साथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और एक बार पावर की प्रेस करेंगे, जिसके साथ देख सकते हैं ये हार्ड रिसेट होने लगी। ये होने के बाद आपके पैटर्न अनलॉक या अगर भूल गए होंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर सिस्टम थोड़ी स्लो होगी तो वो भी कुछ हद तक फास्ट हो जाएगी। तो देखिए इसे होने देते हैं, ये 2-3 मिनट का टाइम लेती है। देखिए हेलो आ गई है, हेलो मोटो। चलिए ये हमारी फ़ोन ऑन हो रही है, देख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी रेगुलर सेटिंग है वो आप कर लें। देखिए ये खुला क्या है, और इसमें लेट्स गो करेंगे। लेट्स गो करने के साथ ही ये सेटअप एज न्यू हो जाएंगे, इससे फिर ये कनेक्टिंग हो रही है, देख सकते हैं। इसके बाद इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे और कुछ देर वेट करते हैं, ये अपडेट हो रही है। चलिए इसे स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, अगर आपको ईमेल आईडी डालनी है तो वो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ। स्किप के बाद इसमें नाम ऐड करने बोल रहा है, मर्जी है डाले या ना डाले। स्किप करता हूँ इसको भी। स्क्रॉल करके नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद ऑल सेट। नेक्स्ट, चलिए क्लिक को हटा देते हैं, इसके साथ ये मेल नहीं मांगेगी। आई एग्री को हटा देते हैं, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट। स्किप करते हैं इसको। देखिए इस प्रकार आपके पैटर्न अनलॉक हो चुकी है। दोस्तों कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।